फ्रेंड्स, आरसी प्लेन को बनाने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें लगने वाली है वो आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। इस वीडियो को दोस्तों मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करने वाला हूँ। सबसे पहला पार्ट रहेगा बिल्डिंग मटेरियल्स, यानी प्लेन की बॉडी बनाने के लिए हमें कौन कौन से मटेरियल्स लगेंगे उनकी लिस्ट मैं आपको बताने वाला हूँ विद प्राइस। एंड सेकेंड पार्ट में बताने वाला हूँ कि कौन से इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हमें लगने वाले हैं। तो ये दोनों पार्ट्स आज के इस वीडियो में कंबाइन करके बताने वाला हूँ। और वीडियो के एंड में आपको बताने वाला हूँ कि आरसी प्लेन को बनाने में टोटल कॉस्ट कितना लगता है, क्योंकि आप में से बहुत लोगों ने पूछा है, बहुत बार ये कमेंट करके पूछा है कि एक आरसी प्लेन बनाने में कितना कॉस्ट लगता है। तो आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट कॉस्ट डिटेल्स पता चल जाएंगी। तो सबसे पहले पार्ट वन देखते हैं, जिसमें मैं बताने वाला हूँ बिल्डिंग मटेरियल्स। तो आरसी प्लेन बनाने के लिए आप इनमें से कोई भी मटेरियल का यूज कर सकते हो। सबसे पहला है डेप्रॉन शीट। डेप्रॉन शीट आप 3mm, 4mm, 5mm का यूज कर सकते हो। ये डेप्रॉन शीट आपको फ्लाइंग मशीन वेबसाइट पर मिल जाएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक दे दूंगा। मैंने जितने भी आज तक आरसी प्लेन बनाए हैं, मैंने 5mm के डेप्रॉन शीट्स यूज किए हैं। वो अच्छे खासे स्ट्रेंथ भी देते हैं, थोड़े थिक भी होते हैं, ज्यादा थिन भी नहीं होते हैं। एक रेगुलर आरसी प्लेन बनाने के लिए डेप्रॉन शीट 5mm वाली सबसे बेस्ट है। उसके बाद अगर आपको डेप्रॉन शीट थोड़ी महंगी लगती है, बिकॉज इट्स क्वाइट कॉस्टली, लेकिन इतना भी कॉस्टली नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको महंगा लगता है, देन यू कैन गो विथ थर्माकोल। थर्माकोल शीट का भी यूज़ कर सकते हो, जो भी इजीली अवेलेबल है मार्केट में। उसके बाद फोम बोर्ड एक मटेरियल है, उसके बाद सनबोर्ड एक मटेरियल है। तो जो भी मटेरियल आपके लिए इजीली कन्वीनियंट होगा परचेस करने के लिए, वो आप कर सकते हो। बट आई वुड 99% रिकमेंड कि डेप्रॉन शीट का आप यूज़ करो। डेप्रॉन शीट अगर नहीं होगा, देन यू कैन गो विथ थर्माकोल शीट। तो ये हो गया कि इस चीज़ का यूज़ करके आप प्लेन की बॉडी बना सकते हो। और प्लेन की बॉडी बनाने के लिए आपको और कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, जैसे कार्बन फाइबर रॉड्स। अगर कार्बन फाइबर रॉड्स आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो, टू गिव द स्ट्रेंथ टू विंग्स, यानी विंग्स को स्ट्रेंथ देने के लिए हम कार्बन फाइबर रॉड्स का यूज करते हैं। जितना बड़ा प्लेन होता है, उतने कार्बन फाइबर रॉड्स हमें ज्यादा यूज करने होते हैं स्ट्रेंथ देने के लिए। अगर आपके पास कार्बन फाइबर रॉड खरीदने के पैसे नहीं होंगे, तो आप बाम्बू स्टिक्स, बाम्बू स्केवर्स का भी यूज कर सकते हो, जो भी इजीली अवेलेबल मिल जाएंगे। उसके बाद कुछ बेसिक चीजें हैं, जैसे हॉट ग्लू है। हॉट ग्लू गन का आपको यूज करना पड़ता है चिपकाने के लिए, दो डेप्रॉन शीट्स को एक साथ या दो थर्माकोल शीट्स को एक साथ। तो हॉट ग्लू इज वेरी मस्ट इन बिल्डिंग एन आरसी प्लेन। उसके बाद में कटर है, कटर आपको जरूरत लगेगी बेवल्स करने के लिए। सेलो टेप्स की मदद से आप दो डेप्रॉन शीट्स को एक साथ चिपका सकते हो। सेलो टेप्स काफ़ी नेसेसरी है डेप्रॉन शीट को स्ट्रेंथ देने के लिए, प्लेन को स्ट्रेंथ मिलने के लिए, प्लेन इजीली ना टूटे उसके लिए आपको सेलो टेप्स का भी यूज़ करना पड़ता है। तो ये सारी बेसिक चीज़ें हैं जो हमें लगती है प्लेन को बनाने के लिए। स्केल्स का भी आप यूज़ कर सकते हो, स्केल मेटल स्केल मैं रिकमेंड करूँगा 60 सेंटीमीटर वाली। मैंने सारी चीज़ें जितने भी इस वीडियो में बताने वाला हूँ उनकी परचेस लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो वहाँ से आप खरीद सकते हो। अगर आपके पास और कोई वेबसाइट होगी बेस्ट, जो कम प्राइस में आपको ये सारे आइटम्स प्रोवाइड करती है, तो आप वहाँ से भी खरीद सकते हो। तो बिल्डिंग मटेरियल में अगर कोई पार्ट मेरा छूट गया होगा या आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी इसके अलावा कि और कौन सी चीज़ें लगती है प्लेन को बनाने के लिए, मैंने तो मोस्टली कवर कर ली है। सेकेंड पार्ट में देखेंगे अभी हम कि कौन सी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स हम यूज़ कर सकते हैं आरसी प्लेन बनाने के लिए, जो बेसिक है और जो आपके पास होने चाहिए। स्टार्ट करते हैं प्रोपेलर के साथ। प्रोपेलर यानी पंखा होता है जो हमारे प्लेन को आगे की तरफ ढकेलता है या खींचता है। प्लेन दो टाइप्स के होते हैं, एक पुशर और एक ट्रैक्टर। तो पुशर प्लेन में प्रोपेलर प्लेन के सेंटर में या प्लेन के बैक साइड में लगा होता है, और ट्रैक्टर में प्लेन के फ्रंट साइड में लगा होता है। तो मैंने दोनों टाइप्स के प्लेन बनाए हैं। एंड आप अगर फर्स्ट टाइम बना रहे हो, तो आई वुड रिकमेंड कि आप पुशर प्रॉप ही यूज़ करो, थोड़ा बेटर रहेगा। तो प्रोपेलर के अलग अलग साइज आते हैं, 9 इंच, 10 इंच, 11 इंच, 8 इंच, 7 इंच, 5 इंच, 6 इंच, और उनकी पिच होती है। पिच यानी एक रोटेशन में वो प्रोपेलर कितना इंचेस आगे जाएगा। तो अगर 1045 किसी प्रोपेलर का नंबर है, तो 10 इंच होता है उसका डायमीटर, और 45 मीन्स 4.5 इंच होती है उसकी पिच। तो 10 इंच डायमीटर वाला प्रोपेलर अगर एक रोटेशन करता है, तो वो 4.5 इंच आगे जाएगा। तो दिस इज द नंबर डिफरेंशिएशन। अगर 9045 है, तो 9045 का मतलब 90 इंचेस प्रोपेलर नहीं होता, उसका मतलब होता है 9 इंचेस प्रोपेलर जो एक रोटेशन के बाद 4.5 इंचेस आगे जाएगा। प्रोपेलर आप चूज कर सकते हो मोटर के अकॉर्डिंग। तो मोटर भी अलग अलग टाइप्स की केवी में आते हैं। केवी यानी किलो वोल्ट्स, एक वोल्टेज पर उतना रोटेशन लेती है। जैसे 1000 केवी, तो एक वोल्ट प्रोवाइड करने के बाद वो मोटर 1000 RPM घूमती है। सिमिलरली आप 12 वोल्ट का उसे सप्लाई दोगे, तो दैट वुड बी 12000 RPMs। तीन टाइप की मोटर्स आप यूज़ कर सकते हो। सबसे फर्स्ट है 1000 केवी। 1000 केवी मोटर्स जो है वो आप 9 इंच टू 10 इंच प्रोपेलर, यानी 9045 और 10045 प्रोपेलर के साथ यूज़ कर सकते हो।
1400 केवी वाली जो मोटर है वो आप 8 इंच टू 9 इंच वाले प्रोपेलर के साथ यूज़ कर सकते हो, यानी 8045 और 9045 प्रोपेलर के साथ। 2200 केवी जो मोटर है वो आपको यूज़ करनी है 5 इंच या 6 इंच प्रोपेलर के साथ, यानी 5045 या 6045 या 6042। तो ये नंबर्स हमेशा याद रखना दोस्तों। अगर आप 1000 केवी को 14 इंची प्रोपेलर लगा लोगे तो शायद मोटर जल सकता है, अगर 1000 केवी को आप 5 इंच प्रोपेलर लगाते हो तो थ्रस्ट आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो एक प्रॉपर मोटर के केवी रेटिंग के साथ एक प्रॉपर इंच का प्रोपेलर लगाना बहुत ही ज़रूरी है। फिलहाल आपको इन मोटर पर ही ध्यान देना है अगर आप आरसी हॉबी में नए हो तो। मोटर और प्रोपेलर के बाद बात आती है ईएससी की। तो इन तीनों मोटर्स के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप 30M का साइमन के ईएससी खरीद लो। 30M का ईएससी इज सुटेबल फॉर ऑल द थ्री मोटर्स अगर आप करेक्ट प्रोपेलर इसके साथ यूज़ करते हो तो। सारे पार्ट्स की परचेस लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, 30M के ऊपर आपको जाने की जरूरत नहीं। अगर आप केवी रेटिंग जितना बढ़ाओगे यानी 2200 के ऊपर अगर आप जाओगे 2600 2800 तो आपको ज्यादा एम्पियर का ईएससी खरीदना पड़ेगा। केवी रेटिंग जितना कम होता है उतने कम एम्पियर का ईएससी लेना होता है, केवी रेटिंग जितना ज्यादा होता है उतने ज्यादा एम्पियर का ईएससी आपको खरीदना होता है। वेल, बैटरी के ऊपर मैंने अलग से पूरा वीडियो बनाया है कि कैसे आपको बैटरी का करंट रेटिंग चूज करना है अकॉर्डिंग टू द मोटर, वो वीडियो आपको ऊपर मिल जाएगा, उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, वो वीडियो जरूर देख लेना ताकि आपको बैटरी का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाए। उसके बाद में हमें एक और चीज लगने वाली है जो है सर्वो मोटर्स। सर्वो मोटर्स हमें हेल्प करती है हमारे प्लेन को लेफ्ट एंड राइट अप एंड डाउन टर्न करने के लिए, यानी रोल एक्सिस, यॉ एक्सिस एंड पिच एक्सिस में टर्न करने के लिए। तो बेसिकली अगर आप स्टार्टिंग में आरसी प्लेन बना रहे हो तो आपको मिनिमम दो सर्वो मोटर्स की ज़रूरत लगने वाली है। तो मैं यहाँ पे रिकमेंड करूँगा 9 ग्राम टावर प्रो की सर्वो मोटर। 9 ग्राम की ये सर्वो मोटर होती है ब्लू कलर की, जो आप बेसिकली एक आरसी प्लेन बनाने के लिए यूज़ कर सकते हो। दो मोटर्स अगर आप यूज़ करते हो तो इसकी हेल्प से आप 11 सेटिंग में आपका आरसी प्लेन बना सकते हो। 11 सेटिंग यानी F22 जो प्लेन है, इसका वीडियो आप देख लो, आपको पता चल जाएगा कि मैं 11 का जो नाम लिया है उसका मतलब क्या है। आपको एलिवेटर में लगाने होते हैं जिसकी हेल्प से आप उन एलिवेटर को एज एन एलिवेटर प्लस एज एलेरॉन्स भी यूज़ कर सकते हो। तो एलिवेटर एंड एलेरॉन इक्वल्स टू 11, तो ऐसा इस चीज़ का नाम गिरा है। तो अदरवाइज अगर आपको एलिवेटर और एलेरॉन दोनों चीज़ों का यूज़ करना है तो आप मिनिमम 3 सर्वो मोटर्स यूज़ कर सकते हो, 2 एलेरॉन्स के लिए और 1 एलिवेटर के लिए, या फिर 4 का भी यूज़ कर सकते हो, 2 एलेरॉन्स के लिए एंड 2 एलिवेटर्स के लिए। दैट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको कितना यूज़ करना है, आपका बजट कितना है। उसके बाद में बेसिक चीज़ें जो लगने वाली है वो है कंट्रोल हॉर्न्स। कंट्रोल हॉर्न्स एलिवेटर्स और एलेरॉन्स में लग जाते हैं, जिन्हें हमें पुश रॉड्स लगाने होते हैं। पुश रॉड उन कंट्रोल हॉर्न्स को सर्वो मोटर के साथ कनेक्ट करते हैं, मेटल के रॉड्स होते हैं जिसकी हेल्प से आगे पीछे ऊपर नीचे एलेरॉन्स हिलते हैं या फिर एलिवेटर्स एंड एलेरॉन्स हिलते हैं। उसके बाद में मोटर माउंट हमें लगता है मोटर को प्लेन की बॉडी पर माउंट करने के लिए। अगर आप पुशर प्लेन बना रहे हो तो मैंने जैसा पहले मेंशन किया था कि मोटर जो है वो प्लेन के सेंटर में रहेगी, अदरवाइज प्लेन के बैक साइड में रहेगी। अगर आप ट्रैक्टर कॉन्फ़िगरेशन यूज़ करते हो तो जो मोटर है वो प्लेन के आगे साइड में रहेगी। लेकिन हमेशा आपको ध्यान रखना है कि प्रोपेलर की जो डायरेक्शन है वो दो टाइप की होती है, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। जहाँ पर प्रोपेलर के ऊपर नंबर मेंशन होता है वो नंबर हमेशा उस डायरेक्शन में फेस करना चाहिए जिस डायरेक्शन में प्लेन उड़ने वाला है। तो अगर प्लेन फॉर एग्जांपल ईस्ट की तरफ जा रहा है तो आपके प्रोपेलर का जो नंबर है वो भी ईस्ट फेसिंग होना चाहिए, भले वो पुशर हो या ट्रैक्टर हो, दैट डजंट मैटर। प्लेन जिस डायरेक्शन में जा रहा है नंबर भी उसी डायरेक्शन में फेस करना ज़रूरी है। प्लेन उड़ाने से पहले आपको प्रोपेलर बैलेंस करना भी बहुत ज़रूरी है, उसके लिए प्रोपेलर बैलेंसर मार्केट में मिल जाते हैं। कुछ नहीं करना होता है आपको, प्रोपेलर इसमें अटकाकर एक लेवल पर लाना होता है जहां पर वो लेफ्ट भी बैंक ना हो राइट भी बैंक ना हो, बिल्कुल सीधा हॉरिजॉन्टल रहे, तब जाके आपका प्रोपेलर बैलेंस होता है। इससे क्या होगा, इससे आपके प्लेन का परफॉर्मेंस बढ़ेगा, मोटर पर कम लोड आएगा, ईएससी पर कम लोड आएगा, बैटरी पर कम लोड आएगा, तो आपके प्लेन का परफॉर्मेंस, फ्लाइट टाइम सब इंक्रीज हो जाएगा। मोटर माउंट के बाद सबसे मेन चीज़ जो लगती है वो है ट्रांसमीटर और रिसीवर। प्लेन को उड़ाने के लिए लगता है हमें रिमोट कंट्रोल, तो ये रिमोट कंट्रोल मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप फ्लाई स्काई का ये वाला मॉडल लें, और ये सस्ता भी है, इजीली अवेलेबल है। इसके साथ आपको रिसीवर भी मिल जाएगा, इसका जो पैकेज है वो करीब 5000 के आसपास है। दैट इज़ बेस्ट फॉर बिगिनर्स एज वेल एज इंटरमीडिएट लेवल्स। 6 चैनल का है, इसमें 10 चैनल का भी अवेलेबल है, डिपेंड अपॉन यू कि आपको कौन सा लेना है। तो अगर मैं टोटल कॉस्ट की बात करूँ बिल्डिंग मटेरियल यानी Part 1 एंड इलेक्ट्रॉनिक्स Part 2 मिला के, तो उस पूरे प्लेन को बनाने के लिए
आपको लगेगा इतना पैसा जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो। अब इसमें से आपको पैसा देके घबराना नहीं है, इसमें से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स ही पकड़ लो तो पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा आपका वन टाइम परचेस, जिसमें फ्लाई स्काई का जो रेडियो है यानी ट्रांसमीटर एंड रिसीवर है, तो आपको बार बार परचेस करने की जरूरत नहीं है। अगर आप 1400 केवी की मोटर लेते हो तो आप उस केवी की मोटर और प्रोपेलर ESC बैटरी का यूज करके अलग अलग टाइप के प्लेन्स बना सकते हो। आपको सिर्फ खर्चा करना है बिल्डिंग मटेरियल यानी पार्ट वन पे, जो ज्यादा महंगा नहीं है। अगर आप प्लेन बनाने की बात करते हो तो वो प्लेन आपका 500 से 1000 रुपए के अंदर बन जाता है, सिर्फ बिल्डिंग मटेरियल की बात कर रहा हूँ। जो महंगी चीज़ है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स दोस्तों, इसलिए मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स आपका सिर्फ वन टाइम परचेस है, इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बैटरी वाला वीडियो आप देख लो, उसके बाद में मोटर के साथ कौन सा प्रोपेलर यूज़ करना है, चूज़ करना है, उस पर भी मैंने वीडियो बनाया है, वो भी वीडियो आप देख लो। एंड ये वीडियो अगर आपको कंप्लीट पसंद आया होगा, इस इन्फॉर्मेशन से अगर आपको कोई नॉलेज मिला होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। कोई नॉलेज अगर आपको पूछना होगा, क्वेश्चन पूछना होगा, तो यू कैन बिंदास आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। हैव अ सेफ फ्लाइट एंड हैव अ सेफ लैंडिंग। चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।